डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने शास्त्रीय उपागम में हेनरी फेयोल के योगदान को पढ़ लिया था। इसके पश्चात आज हम क्या है, शास्त्रीय उपागम में लूथर गुलिक जो हैं, एक चिंतक हैं, उनके योगदान के बारे में देखते हैं। लूथर गुलिक जो हैं, उनका जन्म 1882 में ओसाका में जापान में हुआ था, और उन्होंने क्या है, अनेक पुस्तकें और लेख लिखे हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वार सेकेंड, मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम्स एंड अमेरिकन आइडियाज़, मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये इनका क्या लेख है, बाकी ये क्या हैं, बुक्स हैं। तो ये इनके द्वारा कुछ लिखी गई किताबों के नाम हैं। इसके पश्चात हम क्या है, इनके सिलसिलेवार जो भी योगदान हैं सिद्धांतों के संबंध में या कोई और अन्य मामलों में, तो उसको हम देखते हैं। फेयोल के समान हेनरी लूथर गुलिक ने भी क्या है, संगठन के क्या है, 10 सिद्धांत दिए हैं। और गुलिक जो हैं, उनका संबंध औपचारिक संगठन विचारधारा से हैं, वे शास्त्रीय विचारक माने जाते हैं। गुलिक का मानना था कि संगठन के कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं, और इन सिद्धांतों को लागू करके क्या है, हम संगठन के क्या है, प्रभावशीलता में क्या है, वृद्धि कर सकते हैं। शास्त्रीय विचारकों का मुख्य ध्यान क्या था, मितव्ययता और दक्षता पर था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कम से कम पैसे में क्या है, कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना। उनका मानना था कि प्रशासन सिद्धांत, प्रशासनिक जो सिद्धांत है, उनका पालन करके क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मितव्ययता और दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। लूथर गुलिक भी क्या है, हेनरी फेयोल के द्वारा जो दिए गए प्रशासन के 14 सिद्धांतों से क्या है, काफ़ी प्रभावित थे, और उन्होंने क्या है, अपने हिसाब से क्या है, संगठन के 10 सिद्धांतों का क्या है, प्रतिपादन किया। तो उसमें कुछ क्या आपको समानताएँ भी मिलेगी, यानी जो सिद्धांत फेयोल ने दिए हैं उनको इन्होंने भी दिया है, लूथर गुलिक ने, और कुछ इन्होंने क्या है, अलग सिद्धांत भी दिए हैं। तो पहला सिद्धांत जो है वो है कार्य का विभाजन या विशेषीकरण। लूथर गुलिक इसके बारे में ये बताते हैं कि संगठन के 10 सिद्धांतों में गुलिक जो हैं, कार्य के विभाजन या विशेषीकरण के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका मानना है कि कार्य का विभाजन जो है, काम का बंटवारा जो है, वो न केवल संगठन का आधार है, बल्कि वो इसका कारण भी है। यानी इन कार्य के विभाजन की वजह से, काम के बंटवारे की वजह से ही संगठन पैदा होता है। तो वो इसको क्या है, बड़ा महत्व देते हैं कार्य के विभाजन को। अन्य जो शास्त्रीय विचारक हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने नाम पढ़े थे, वो भी क्या है, कार्य के विभाजन को बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं। कार्य के विभाजन का मतलब ये है कि कार्य को सबसे पहले क्या है, छोटे छोटे भागों में बांटा जाए, और प्रत्येक भाग का कार्य विशिष्ट व्यक्ति ही करे, वो क्या है, कार्य का विभाजन या विशेषीकरण। काम को बांटना और भागों में बांटना, और हर भाग को एक विशेष व्यक्ति के द्वारा किया जाना। कार्य का विभाजन कर दिए जाने से न केवल कार्य को करना आसान होता है, बल्कि विशेषीकरण का लाभ भी मिलता है, क्योंकि एक सा कार्य करते रहने से कर्मचारी क्या है, उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, कार्य का विभाजन या विशेषीकरण क्या है, संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा जो है उनके अनुसार, वो है विभागीय संगठनों के आधार। इसके लिए उन्होंने 4 आधार बताए थे, जिनको हम कहते हैं 4P, पर्पज अर्थात उद्देश्य, प्रोसेस अर्थात प्रक्रिया, पर्सन अर्थात व्यक्ति, प्लेस अर्थात स्थान। पर्पज, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, 4P। आइए इसे देखते हैं क्या है। गुलिक संगठन का दूसरा सिद्धांत विभागीय संगठनों के आधार के रूप में पहचानते हैं। गुलिक ने इसके बारे में काफ़ी बताया है, और विभागीयकरण के 4 आधारों की क्या है, उन्होंने क्या है, विवेचना की है। 4 प्रकार के आधार बताए हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। पहला जो है वो है पर्पज, यानी उद्देश्य। गुलिक के अनुसार ये क्या है, पहला आधार है विभागीकरण का। यानी हम संगठन को बांटेंगे तो सही, पर बांटने के आधार भी तो होने चाहिए। पहला तो हमने पढ़ लिया कार्य का विभाजन या विशेषीकरण, यानी संगठन कार्य को क्या है, बांटना है, संगठन को बांटना है। तो कार्य का जो बंटवारा है, या हम कह सकते हैं जो संगठन बनाने के जो आधार हैं, तो वो 4 आधार बताए इन्होंने।
पहला बताया इन्होंने पर्पज, उद्देश्य। तो ये क्या है, विभागीकरण का क्या है पहला आधार है। यहाँ संगठन को सर्वप्रथम अपने मुख्य कार्यों और लक्ष्यों की क्या है पहचान करनी होती है, यानी पर्पज उद्देश्य या लक्ष्यों को क्या है पहले पहचाना जाता है, और फिर प्रत्येक कार्य के लिए क्या है पृथक विभाग की स्थापना की जाती है। यानी पर्पज के आधार पर विभागों का गठन क्या है एक सामान्य सी बात है। जैसे चिकित्सा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, चिकित्सालय का निर्माण किया जाता है, एक विभाग है चिकित्सा विभाग। शिक्षा के लिए क्या है, स्कूल और कॉलेज बनाए जाते हैं, तो वो शिक्षा विभाग हो गया। इस प्रकार जब प्रयोजन या उद्देश्य के आधार पर विभाग का गठन किया जाता है तो गुल्ली के अनुसार समन्वय की जो स्थापना है, कोऑर्डिनेशन जो है, क्योंकि वो वहाँ शिक्षा संबंधी सारी गतिविधियाँ होगी, तो उससे क्या है समन्वय क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, और खर्चा भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, नुकसान भी क्या है कम होंगे। तो इस प्रकार से ये क्या है प्रयोजन या उद्देश्य के आधार पर भी क्या है विभागीकरण किया जाता है। दूसरा आता है प्रोसेस, प्रक्रिया, ये दूसरा आधार है। इसमें क्या है कि एक समान प्रक्रिया का अनुसरण करने वाले व्यक्ति एक ही विभाग के अधीन रखे जाते हैं, चाहे उनके क्या है उद्देश्य अलग अलग क्यों न हो। यहाँ प्रक्रिया से मतलब ये है कार्य करने का टेक्निकल स्किल, तकनीकी कौशल। इससे क्या लाभ होता है कि इससे क्या है विशेषीकरण का बल मिलता है या विशेषीकरण का लाभ होता है, परंतु इसका नुकसान भी है कि उससे क्या है समन्वय की स्थापना में क्या है बाधा आती है। तो प्रक्रिया के आधार पर क्या है अगर हम विभागीकरण करें तो किस प्रकार से हो सकता है। इसके पश्चात आता है पर्सन, व्यक्ति, ये तीसरा आधार है। इसमें क्या होता है कि एक विशिष्ट विभाग व्यक्तियों के एक विशिष्ट समूह की क्या है सेवा करता है, जैसे महिलाओं का हो गया तो महिलाओं का, कैदियों का हो गया, श्रमिकों का हो गया, बच्चों का हो गया, बुजुर्गों का हो गया। तो ये लाभार्थी वर्ग है, उसके आधार पर यदि हम विभागीकरण करें तो वो क्या हो जाता है व्यक्ति आधारित या पर्सन। इसके बाद चौथा आता है प्लेस, प्लेस ये अंतिम आधार है। इसके अंतर्गत क्या होता है स्थान विशेष, जैसे मान लो कोई सीमांत क्षेत्र है या नॉर्थ ईस्ट का उत्तर पूर्व जो भारत है वो भी क्या एक प्रकार से अलग एरिया हो गया, मरुस्थल संबंधी एरिया हो गया, या जो पहाड़ी इलाके हो गए, बाढ़ वाले इलाके हो गए, तो ये स्थान हो जाते हैं कुछ विशेष, उसके आधार पर भी क्या है विभाग बना दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है उस क्षेत्र विशेष के विकास को क्या है संभव करना उसके द्वारा संभव होता है, परंतु इसे एक नुकसान ये भी होता है कि उसे क्षेत्रीयता और संकीर्णता को भी क्या है बढ़ावा मिलता है। तो ये क्या है उन्होंने विभागीय संगठनों के आधार बताए थे। अब उन्होंने क्या है समन्वय जो है उससे संबंधित भी कुछ सिद्धांत दिए हैं। तो तीन सिद्धांत है समन्वय के, एक तो पदसोपान के द्वारा, और एक सचेत समन्वय, और एक समिति द्वारा समन्वय। तो पदसोपान द्वारा समन्वय का मतलब ये है कि पदसोपान जो है वो एक संगठन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें क्या है पदों को क्या है उच्च क्रम, निम्न से उच्च क्रम की ओर या उच्च से निम्न क्रम की ओर क्या है इस प्रकार से सेट किया जाता है सीढ़ीनुमा तरीके से, और इससे भी क्या है समन्वय स्थापित किया जा सकता है। सचेत का मतलब क्या होता है जानबूझकर हम समन्वय करते हैं, तो इसको वो क्या है चौथा सिद्धांत कहते हैं, सचेत होता है हम जानबूझ के। समन्वय का मतलब तो हम पढ़ चुके हैं कि जो भी गतिविधियाँ होती है उनमें क्या तालमेल बिठाना क्या है समन्वय कहलाता है। समितियों के द्वारा समन्वय भी किया जा सकता है, उसके लिए क्या है कोऑर्डिनेशन के लिए क्या अलग अलग कमेटियों का क्या है गठन किया जाता है, ये औपचारिक और प्रभावी है अपने आप में। तो ये पांच सिद्धांत हो गए। इसके बाद में छठा है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब यह होता है कि जो सत्ता है प्रशासनिक सत्ता है वो किसी एक व्यक्ति में न होकर नीचे के स्तरों पर क्या है फैल जाती जब है या बांटती जाती है तो उसको क्या कहते हैं विकेंद्रीकरण कहते हैं, विभिन्न स्तरों पर। तो विकेंद्रीकरण जो है ये भी क्या है एक प्रकार से कार्य के विभाजन से भी क्या है जुड़ा हुआ है। इसके पश्चात आता है सातवां सिद्धांत, आता है आदेश की एकता। ये भी हम हेनरी फेवल वाले में पढ़ चुके हैं कि
कि एक व्यक्ति को केवल एक ही उच्चाधिकारी से क्या है आदेश मिलना चाहिए, यानी एक अधिकारी और एक अधीनस्थ, ये क्या है इसमें होता है, ये अलग है थोड़ा सा हेनरी फ्योल से स्टाफ व सूत्र, ये हेनरी फ्योल ने नहीं बताया था। तो स्टाफ सूत्र में क्या होता है कि सूत्र तो क्या है, नीति बनाता है, यानी जो उच्चाधिकारी नीति निर्माण वाला जो वर्ग है संगठन के अंदर वो कहलाता सूत्र, और उस सूत्र को जो भी सूचना तथ्य या अन्य जो सहायक चीज़ें चाहिए नीति निर्माण के लिए निर्णय लेने के लिए वो जो वर्ग है वो कहलाता है स्टाफ। तो ये भी क्या है, एक स्टाफ और सूत्र का सिद्धांत है, ये हम आगे डिटेल में भी आएंगे आपके। इसके बाद आता है डेलीगेशन, प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन का मतलब ये होता है कि सत्ता जो है उसको उच्चाधिकारी के द्वारा अपने नीचे के अधिकारी को सौंपना, यानी काम करने के, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है उसके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और उसके पास इतना समय भी नहीं है लेकिन उसके पास जिम्मेदारी है काम करने की, तो वो क्या करता है अपने नीचे के अधिकारी को क्या है पावर दे देता है कि आप इस काम को कर दो, तो उसको वो पावर दे देता है। तो ये जो पावर देने का प्रक्रिया जो है नीचे के लेवल पर वो कहलाती है प्रत्यायोजन, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद आता है नियंत्रण का क्षेत्र, स्पान ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि कोई एक अधिकारी जो है वो कितने व्यक्तियों को क्या है नियंत्रित, निर्देशित या पर्यवेक्षित कर सकता है एक ही समय में, उसको कहते हैं स्पान ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का क्षेत्र। तो जितना ज़्यादा विस्तार होगा उतना कंट्रोल ढीला भी हो जाएगा, तो इसलिए छोटा नियंत्रण का क्षेत्र ज़्यादा नियंत्रण को प्रभावी करता है। तो ये इन्होंने क्या है संगठन के 10 सिद्धांत बताए थे। इसके बाद में हम आगे इनके द्वारा जो पोस्ट कोर्प की अवधारणा है कार्यपालिका के जो कार्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।